सत श्री अकाल दोस्तों, अज एक बार फिर तो तुहानू कनेडा तो आ रही एक ऐसी खबर सुनाउण जा रहे हैं जिस दे नाल सारे ही पंजाबियों नू बहुत वड्डी खुशी मिलेगी। जिहड़े जिहड़े लोग कैनेडा जाना चाहुंदे हन, उत्थे जाके अपना भविख बनाउणा चाहुंदे हन, पर उहनां नू वीज़े नहीं मिल रहे तां उह हुण तैयारी कर लैण, क्योंकि कनेडा सरकार ने उहनां नू बुलाउण वास्ते एक बहुत वड्डा काम कीता है। इस दे लई तुहानू पूरी वीडियो देखनी पवेगी। कनेडा की खबर शुरू करन तो पहले तुहानू दस दईए कि अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडेन दे प्रशासन ने संकेत दिता कि उसने नवे H-1B वीज़ा जारी करन संबंधी साबका ट्रंप प्रशासन की लगाई गई पाबंदियों खत्म करन दे विचार करनी शुरू कर दिती है। हाले तक कोई फैसला नहीं लिया गया, पर लगता है जल्दी ही H-1B वीज़ा नू शुरू कर दिता जाएगा, क्योंकि अमरीका के नवे बने राष्ट्रपति वालों ट्रंप वालों लगाई गई बहुत सारी पाबंदियों हटाया गया है। H-1B वीज़ा की पाबंदी हटाने बारे भी विचार हो रही, हो सकता है कि हुण जल्दी ही अमरीका के वीज़े H-1B मिलने शुरू हो जाएंगे। आओ तुहानू हुण दसदे हां कि कनेडा तो किहड़ी खास खबर आ रही है। हुनरमंद लोग जो कनेडा जाके कनेडियन स्थाई निवास वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने लिए कनेडा ने एक बहुत वधिया प्रोग्राम जारी किया है। एक्सप्रैस दाखले का 2021-2023 इमीग्रेशन योजना के तहत कनेडा का मुख्य मकसद 1,10,000 लोगों कनेडा दे विच दाखला देना है। इस तहत IRCC वालों फैडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फैडरल स्किल्ड ट्रेडर्स प्रोग्राम अते कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम के तहत हुनरमंद उम्मीदवारों के लिए एक्सप्रैस एंट्री का प्रबंध किया जाएगा। एक्सप्रैस दाखला लैण के लिए दो पड़ा हैं जिन्हों पूरा करना बहुत ही जरूरी है। पहले वो उम्मीदवार होंगे जो फैडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फैडरल स्किल्ड ट्रेडर्स प्रोग्राम्स अते कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम जो इस दे विच्चों एक विच भी योग हन, वह IRCC की वैबसाइट उत्ते अपनी प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं। इस तो बाद उन्होंने मनुखी पूंजी जिवें कि उन्होंने उम्र, विद्या, भाषा के हुनर अते काम के तजर्बे के आधार पर CRS अंक हासिल होंगे, जिस दे लई उन्होंने 141 अंकों की लोड़ पवेगी, 141 अंकों की लोड़ होगी। इस तो अगे दूसरा पड़ा IRCC वालों हर 2 हफ्ते बाद एक्सप्रैस एंट्री आयोजित की जाती है, जिस विच सब तो वध CRS अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को स्थाई निवास ITA लिए सद्दा दिता जाता है। जेकर किसी उम्मीदवार को ITA प्राप्त होंगी है तो वह अगे जाके स्थाई निवास अर्जी लिए IRCC जमा करवा सकता है। कनेडा दे वल्लों प्रवासी कर्मचारी नूं सद्दा देण दा मुख कारण है कि कोरोना तो बाद उत्थे दी आर्थिक हालत नूं चंगा करना। कनेडा चाहुंदा है कि इत्थों दे लोक आ के काम करन अते साडी आर्थिकता नूं बहुत सहायता मिले। कनेडा जाके चंगे भविख दा सुपना देखण वालिआं दे लई इह चंगा मौका है कि कनेडा जाके अपना भविख सुधार सकदे हन। ट्रूडो लगातार ही भारतीयां वास्ते कोई ना कोई प्रोग्राम जारी करदे आ रहे हन। उहनां दी सोच बारे तुसीं की कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर दसना, नाल ही साडे तहलका पंजाब चैनल दे नाल जुड़े रहना। धन्नवाद जी।